बिजनौर पुलिस द्वारा अवैध शराब और अवैध शराब से जुड़े माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नेटौर थाना पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने दागन नदी के पास से अवैध शराब से भरी दो गाड़ियां पकड़ी। पुलिस ने मौके पर हरियाणा निवासी 4 शराब तस्करों सहित 8 शराब तस्करों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी में फर्जी नंबरों की गाड़ी और बाइक के साथ करीब 80 पेटी अवैध शराब बरामद की है। पकड़ी गई शराब की कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने शराब तस्करों के पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। नेटौर से जैन अंसारी और बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। स्वाट टीम, नेटौर पुलिस और आबकारी विभाग के संयुक्त टीम में अंतर प्रांतीय शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से 4 तस्कर हरियाणा के और 4 बिजनौर जनपद के धामपुर सोहरा आदि इलाके के हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी यह है कि हरियाणा से पानीपत से इस शराब लेकर के दो गाड़ियों में एक शिफ्ट में एक I-20 गाड़ी में लेकर के चले। यहाँ जो डिलीवरी देनी थी रजनीश जो सोहरा के हैं, शेर सिंह अमीनाबाद नाहटौर के और हरगोविंद सिंह जलालपुर के, इनको यहाँ डिलीवरी देनी थी। पुलिस को सूचना मिली, इनको ट्रैक किया, इनकी गिरफ्तारी और कब्जे से 80 पेटी लगभग 5 लाख की शराब बरामद हुई है। इनके कब्जे से 10 मोबाइल फोन, 4 तमंचे बरामद हुए हैं। इनके द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि ये पानीपत से एक तीसरी बार आए हैं। इनके जो गाड़ी मालिक हैं, जो अन्य सप्लायर हैं, दो वांछित करण सिंह और संदीप को वांछित किया गया है और इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी होगी।